अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ टाइपिंग टिप्स सीखेंगे और टाइपिंग टिप्स के लिए एक टाइपिंग ट्यूटर है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है और आप उसकी उससे अपनी टाइपिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस पर काम करेंगे और उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को डाउनलोड करने के लिए आपकी जो वीडियो है, लेसन नंबर जो 2 है, लेसन नंबर 2 के नीचे एक लिंक दिया हुआ है डाउनलोड का, डाउनलोड ऑफिस 2016। जो लोग मेरी ये वीडियो डेली मोशन में या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं तो उनके पास भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रखें, मेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या किसी भी चीज़ की कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग डेली मोशन यूट्यूब में नहीं दी गई, वहाँ पे सिर्फ डेमो लेसन से 5-10 आपके पास वीडियो होंगी सिर्फ। तो कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से ही करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है, और रजिस्टर्ड डिप्लोमा हासिल करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी वेरिफिकेशन यहाँ से होती है, कोई भी डिप्लोमा जब आप लेते हो तो उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो ये डिप्लोमा का फॉर्मेट है। तो 100% सही कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपने हमारी वेबसाइट से कोर्स करना है। इसके अलावा YouTube में कुछ ऐसी वीडियो कंप्लीट कोर्सेज हैं, जिस तरह के आप ऑनलाइन मेकिंग मनी कैसे कर सकते हो, इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप, इसके अलावा ब्लॉगर कैसे कंप्लीट ब्लॉगर साइट आप कैसे बना सकते हो, जो छोटी मोटी वीडियो वो कंप्लीट आपके पास वहाँ पे दी हुई है यूट्यूब और डेली मोशन में, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं कोई न्यू कोर्स लॉन्च करूँगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपका YouTube ओपन हो जाएगा, आपने उसके उस पर सब्सक्राइब वाला बटन लिख बना हुआ होगा, उस पर आपने यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसी तरह आप मेरे Facebook को और Twitter को भी ज़रूर 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 लाइक करें और Facebook में फॉलो, Facebook को लाइक करें और Twitter को फॉलो करें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया कोर्स लॉन्च करूँगा या कोई वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे लिंक आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। डाउनलोड करने के लिए आपने डाउनलोड ऑफिस 2016 पे आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे एक ऐड चलेगा जो कि 5 सेकंड तक चलेगा, फिर आपने इस ऐड को स्किप कर देना है। स्किप ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का आपके पास यहाँ पे आ गया लिंक, और आपने यहाँ से डाउनलोड थ्रू ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखें तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन आपके पास यहाँ पे कह रहे 2 आवर लगेंगे तकरीबन इसको डाउनलोड होने में, क्योंकि इसका साइज जो है तो 2.52 GB साइज है और तकरीबन ये 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ पे ही बता रहा है, लेकिन इससे कम टाइम लगेगा आप, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपके पास रजिस्टर सॉफ्टवेयर है, आप यहीं से इसको रजिस्टर भी करेंगे, तो जब मैं इंस्टॉलेशन आपको सिखाऊंगा इसकी तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब तक डाउनलोड होता है हम कुछ टाइपिंग टिप्स के ऊपर काम कर लेते हैं। तो टाइपिंग टिप्स के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आप खुद टाइपिंग क्या करें, टाइपिंग करने का क्या तरीका है कि आप कोई बुक या फिर कोई नोट्स वगैरह आप पास रखें, उन नोट्स को देख के तो आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करें तो आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आप खुद टाइपिंग करेंगे तो 1 हफ्ते तक आपकी टाइपिंग इंप्रूव हो जाएगी, टाइपिंग करने के बगैर आपकी टाइपिंग इंप्रूव कभी भी नहीं होगी। तो टाइपिंग टिप्स कुछ मैं आपको दे देता हूँ कि आपने टाइपिंग कैसे करनी है। तो टाइपिंग करने के लिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करके आपको मैं बताता हूँ। और यहाँ पे मैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, जैसे गौर से देखें तो इसमें इसने देखें फिंगर कैसे रखी हुई है, आप देख सकते हैं स्मॉल फिंगर यहाँ पे इसने कहाँ पे रखी हुई है, ए फिर एस फिर डी और फिर अंगूठा है इसने स्पेस के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरह कॉमा, आपके पास कॉमा आ गया है, जे आ गया, के आ गया और एल आ गया, इसको इसने रखी हुई है अंगूठा इसका स्पेस बार पे।
अब आपने भी अपनी फिंगर ऐसे ही रखनी है। रखने के बाद सबसे पहले आपने, अब इस फिंगर का फायदा क्या, देखिए अब ये जो स्मॉल फिंगर है इससे आप ए भी प्रेस कर सकते हैं, आप क्यू भी प्रेस कर सकते हैं और जी भी प्रेस कर सकते हैं। एस की फिंगर से आप यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स प्रेस कर सकते हैं, डी से आप ई और सी भी प्रेस कर सकते हैं, और एफ से आर वी एंड जी और टी आप प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास है यहाँ पे इस किसी आपने पी प्रेस करना है या फिर यहाँ से कोई आपने सिंबल वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। इसी तरह जे आपके पास जो एल है एल से आप ओ प्रेस कर सकते हैं, काम आप फुल स्टॉप प्रेस कर सकते हैं या ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आप प्रेस कर सकते हैं, के से आपने आई प्रेस कर सकते हैं और आप यहाँ से जे से यू और एम और एन और एच आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ टिप्स हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें तो आपको ये बता रहा है आपने क्या करना है जी, आपका लेफ्ट जो हैंड है और राइट जो है, अब लेफ्ट की आपने ये वाला जो है तो अंगूठा स्पेस बार पे होना चाहिए, राइट का भी स्पेस बार पे होना चाहिए। लेफ्ट की आपकी स्मॉल फिंगर जो है उससे आप क्यू ए जी प्रेस कर सकते हैं, उससे साउथ वाली फिंगर से ये कर सकते हैं ये, और इसी तरह आप देखें तो इसकी फोर फिंगर से आप ये प्रेस कर सकते हैं, ये प्रेस कर सकते हैं, ये प्रेस कर सकते हैं, ये प्रेस कर सकते हैं। अब इस पर काम कैसे करना है उसके लिए मैं यहाँ से नोट पैड को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी फिंगर को एडजस्ट करना है ए एस डी एफ फिर कॉमा एल के जे प्रेस की, अब आपने टाइप करना है ए एस डी एफ, आपका अंगूठा स्पेस बार पे है तो अपने स्पेस प्रेस करना है फिर कॉमा एल के जे फिर ए एस एल के जे तक जाके फिर आपने एंटर करना है ए एस डी एफ स्पेस कॉमा एल के जे, फिर आपने क्या करना है ए एस, फिर आपने प्रेस करना है ए एस डी एफ के साथ ही आपने जी प्रेस करना है, स्पेस देना है कॉमा एल के जे और साथ में एच। इसी तरह आपने करना है ए एस डी एफ जी स्पेस कॉमा एल के जे एच, दो बार ये टाइप करना है। फिर आपने करना है क्यू डब्ल्यू ई आर स्पेस पी ओ आई यू, क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ई आर स्पेस पी ओ आई यू, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई जेड एक्स सी वी स्पेस कामा फुल स्टॉप कामा एल के जे सॉरी एम एन बी। तो आपने ये वाली टाइपिंग इसी तरह करनी है, तकरीबन 20-20 बार आपने ये वर्ड लिखने इसी तरह टाइप करने, और उसके बाद फिर एक और वर्ड एक और चीज़ है सेंटेंस ये है वो आपने प्रेस कर टाइप करना है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये आपने तकरीबन 20-25 बार आपने ये वाला टाइप करना है और ये हर रोज आपने तकरीबन 20 मिनट तक इस पर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है टाइपिंग ट्यूटर के लिहाज से, एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मेविस बेकन टाइपिंग ट्यूटर। तो मेविस बेकन को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है, सॉरी ये जब तक डाउनलोड हो रहा है लेसन नंबर 2 पे आपने जाना है और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास है ब्राउजर में डाउनलोड टाइपिंग ट्यूटर और डाउनलोड विनवर। विनवर का फंक्शन ये कि आपकी ये दोनों फाइल है ये विनवर में कंप्रेस की हुई है, अगर आपके पास विनवर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करें तो आपकी फाइल विनवर में ओपन होगी। तो विनवर क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो उसकी वीडियो नीचे दी हुई है, इसी की वीडियो के नीचे एक वीडियो दी हुई है जिसपे विनवर का कम्प्लीट इंट्रोडक्शन है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिंक काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैंने नीचे एक ट्यूटोरियल की वीडियो डाली हुई है, आप ट्यूटोरियल से कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड टाइपिंग ट्यूटर पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें मेरे पास एक लिंक है, ये ऐड चलेगा 5 सेकंड तक, तो उसके बाद आपने इसको स्किप करके आपने डाउनलोड करना है। स्किप ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास आ गया जी मेविस बेकन टीचर टाइपिंग ट्यूटर, इसको आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। जब तक ये दोनों डाउनलोड होते हैं तब तक मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर आपको इसकी इनकी इंस्टॉलेशन और इन पे काम करना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेविस बेकन आपके पास डाउनलोड हो चुका है,
तो यहाँ पे आप देखें डाउनलोड हो चुके हैं, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। अगर आपके पास विनरार नहीं है आपके पास, तो आपने यहाँ पे इसी के साथ आपके पास डाउनलोड विनरार का बटन है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें और उसे इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए नीचे एक वीडियो दी गई है, आप उसको फॉलो करके आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो इसका सेटअप आ गया। सेटअप पे राइट क्लिक करें और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें और इसको यस करके आप इंस्टॉल करना शुरू कर देना। तो आपके पास इंस्टॉल हो रहे हैं, कन्फिगर हो रहे और विंडो इंस्टॉलर ओपन हो गया। नेक्स्ट करना है आपने इसको, आई एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं होता, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और उनको फॉलो करना है, तो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसको फिनिश करता हूँ मैं और मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको ओपन करने के लिए आपने विंडो का बटन प्रेस करें या फिर आपके पास डेस्कटॉप पे भी आ गया होगा। विंडो का बटन प्रेस करने के बाद देखें तो यहाँ पे मेरे पास मेविस बीकन आ गया है। अगर यहाँ पे नहीं आया हुआ तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है मेविस बीकन, तो आपके पास सामने ही आ जाएगा सॉफ्टवेयर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास मेविस बीकन यहाँ पे आ गया। सॉफ्टवेयर देखिए सामने ओपन हो गया, आपने जस्ट क्लिक करने से। वेलकम टू मेविस बीकन टीचर्स टाइपिंग, आई जस्ट हैव अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी गेट स्टार्टेड, क्लिक ओके व्हेन यू आर फिनिश्ड। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो आपने यहाँ पे इसका नाम, आपने अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। अब इसके अलावा इसकी जो इसका साउंड है उसको खत्म करने के लिए मैं देखता हूँ कहाँ से होगा, लेकिन यहाँ से अपने अपना सबसे पहले नाम टाइप करना है। नाम मैं अपने टाइप कर लेता हूँ, तैमूर परवेज, ओके करता हूँ इसको मैं। Hi, I'm Mavis Beacon. I'm here to help you improve your typing skills. You can take a lesson, practice. Welcome to the settings area. Here you can adjust your audio settings and make changes to your personal profile. इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था उसको मैंने कम किया। यहाँ से आप यहाँ से सेटिंग में जाके वॉल्यूम वगैरह कम कर सकते हैं, ख़त्म करना है ख़त्म कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। अब इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है, टेक अ क्विज, सॉरी टेक अ लेसन, प्रैक्टिस एरिया, टाइपिंग गेम्स। तो आप लेसन भी ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस एरिया के लिए कम्प्लीट आपके पास कुछ पैराग्राफ लिखे होते हैं उनको आपने टाइप करना होता है, टाइपिंग गेम्स के जरिए, इसमें गेम्स होते हैं, गेम्स के जरिए आप काम कर सकते हैं। तो मैं टेक अ लेसन पे क्लिक करता हूँ। Here you can take a typing test to find out what level typist you are, or start at the beginning of the lesson plan. Choose an option to start begin. क्लिक करना है, फिर आपने start पे क्लिक करना है, तो बस देखें तो यहाँ पे आप बस यहाँ गया, आपने टाइप करना है। अब देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बताया हुआ भी इसने है कि आपने फिंगर कैसे रखनी है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। फिंगर रखिए आपने और कह रहा है कि S प्रेस करें क्योंकि ये S से स्टार्ट हो रहा है। S प्रेस करता हूँ, फिर कह रहा है A, A, D आपने प्रेस करना है, स्पेस देना है, फैड प्रेस करना है। अब कह रहे हैं कॉमा कहाँ पे, कॉमे के लिए कौन सी फिगर यूज़ करनी है, वो स्पेस एफ एल करना है, ए के एस के फॉल फैड्स जो अगर आप जाते बैक स्पेस आपने करना ही नहीं है, बैक स्पेस की जरूरत नहीं है। The test shows that you are a beginning typist. Let's get started with a few basic exercises and then move on from there. कह रहे प्रेस द ए की आपने प्रेस करने हैं, फिर एस प्रेस करनी है। अब देखें यहाँ पे बता रहा है डी प्रेस करना है, तो ये आपके पास कंप्लीट यहाँ पे से गाइडलाइन दी हुई है। होम में जाएं, वेलकम बैक, प्रैक्टिस एरिया पे क्लिक करते हैं। प्रैक्टिस एरिया, प्रैक्टिस एरिया के लिए यहाँ से देखें हिस्ट्री है, आपने यहाँ से कंप्यूटर के लिए क्लिक करना, चैटर में इमोशंस हैं, एचटीएमएल की कोडिंग है, आप कोडिंग करना चाहें एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट बैग जाता हूँ, इसमें एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस में देखें तो यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे वर्क प्लेस है, कॉलेज की प्रिपरेशन है, प्लानिंग ऑफ कॉलेज है, क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आप ये चीज़ लिख सकते हैं, साथ सारी चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह होम में जाता हूँ, साथ में टाइपिंग गेम्स, वेलकम टू द स्पीड द कम्युनिटी गेम, रेज द टेक टू द वॉटर, एक्सप्लोर, बिल्ड योर स्पीड, टाइप योर वर्ड्स बीनीथ द कलर स्ट्रैंड्स इन द माइक्रोस्कोप व्यू।
you. Try creating one of the example creatures or mix and match your own. Type quickly to stay ahead of the timer. Explore, improve your accuracy. Gumball Gambit is all about accuracy. Don't worry about speed, just type the characters on the gumballs as they appear. तो ये देखिए गेम है तो आप यहाँ से गेम से भी आप काम कर सकते हैं एंड करता हूँ तो ये था जी आपके पास मैविस बेकन का यस तो ये था जी आपके पास मैविस बेकन का आप मैविस बेकन पे काम कैसे कर सकते हैं तो अब हम इंशाल्लाह इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास डाउनलोड हो जाए तो उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे तो ये तकरीबन 5% हुआ है तो ये डाउनलोड हो जाए तो इसको हमने इंस्टॉल करना सीखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 डाउनलोड हो चुके हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए आप अपना डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखें तो जिप फॉर्मेट में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 डाउनलोड हो चुके हैं जिप फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए विन ड्रॉर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप इसे जिप फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखें आप डाउनलोड में तो यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को राइट क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा विन ड्रॉर की मदद से एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया मेरी जितने भी ज़्यादातर जो मैं डाउनलोड आपको लिंक देता हूँ तो ज़्यादातर विन ड्रॉर फॉर्मेट में होते हैं इसलिए आपके पास विन ड्रॉर ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए तो यहाँ पे ये देखें कन्वर्ट हो चुके हैं इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क इमेज फाइल है या फिर इसे ISO फाइल भी कहते हैं या डिस्क इमेज फाइल कहते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिस्क इमेज या कोई भी किसी भी ऑटोकैड की हो गया कोई भी फाइल जो डिस्क इमेज या ISO फाइल होती है ISO इमेज होती है तो वो विंडो 8.1 और विंडो 10 में जो है तो ईजीली आप उसे काम कर सकते हो आप डबल जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई भी CD ड्राइव का ऑप्शन नहीं दे रहा तो जो ही मैं डाउनलोड पे जाके तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये देखिए खुद ही DVD ड्राइव्स बन गई है मीन ये बर्न कर देता है ऑटोमेटिकली DVD ड्राइव में तो मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ तो विंडो 10 में ये एक फीचर है नया और विंडो 8.1 में भी है विंडो 8 का मैं नहीं कह सकता कि विंडो 8 में है कि नहीं जो लोग विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं वो चेक कर लें तो ये यहाँ पे देखें इजीली यहाँ पे बर्न हो गया DVDs में तो जो लोग विंडो 7 या विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं जिनके पास ये डायरेक्ट यहाँ पे DVD में बर्न नहीं हो रही फाइल तो वो ऐसा करें कि वो इस फाइल को यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें तो इवन ड्रॉर की ये भी वो भी है कि यह ISO या डिस्क इमेज को भी एक्सट्रैक्ट कर दे तो आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करें तो देखें ये फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी फाइल ये देख सकते हैं आप ये ऑटोमेटिकली फोल्डर में कन्वर्ट हो गई फाइल तो यहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो मैं मेरे पास बेसिकली यहाँ से काम कर लिया तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे मैं इंस्टॉल करना सिखाता हूँ आपको अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल यहाँ पे देखिएगा अपीयर होगी आपने यहाँ से यूजर अकाउंट कंट्रोल पे आपने क्या करना है यस करना है तो बाद टाइम ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ यस कर रहा हूँ तो आपने जो भी आपके पास ऑप्शन आए आप उसे यस कर लीजिएगा यस करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो जाएगा ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन इंस्टॉल अब यहाँ पे आप देखें तो ऑफिस 2016 प्रो प्लस है और इसमें x86 और x64 बिट्स ये 86 जो होता है ये 32 बिट्स के इक्वल होता है मीन अगर आप यहाँ पे देखें दिस PC या फिर आपका माई PC या फिर डेस्कटॉप में आपके पास माई कंप्यूटर होता है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें प्रॉपर्टीज पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सिस्टम से रिलेटेड एक आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन होगी और इसमें आपको बताएगा कि आपका सिस्टम कौन सा देखें सिस्टम टाइप जो है 64 बिट में यूज कर रहा हूँ x64 बिट या 64 बिट में यूज कर रहा हूँ आप चेक करें अगर आपके पास 32 बिट यहाँ पे 32 बिट अगर आप यूज कर रहे हैं तो 32 बिट के लिए आपने 86 वाला फॉर्मेट इंस्टॉल करना है आपने यहाँ पे 86 को चेक करना है तो मैं चूंकि 64 कर रहा हूँ तो मैं 64 को सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश US सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए एक्सेल चाहिए एक्सेस चाहिए
पब्लिशर नहीं चाहिए, वन ड्राइव भी नहीं चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो चुकी है फाइल, देखें तो यहाँ पे कन्वर्ट भी हो चुकी है फाइल। तो इन्फो पाथ नहीं चाहिए मुझे, स्काइप नहीं चाहिए, वन ड्राइव नहीं चाहिए, आउटलुक नहीं चाहिए और पावर पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैं इन चार सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करवाऊंगा पहले, फिर बाद में हम पब्लिशर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इनको मैंने सेलेक्ट किया जो जो सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल ऑफिस पे क्लिक करूंगा, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कन्फिगरिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को ही कन्फिगर कर रहे हैं और इसके बाद इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं स्टार्ट हो गया सेटअप। तो स्टूडेंट्स, आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर में काफ़ी सारे वर्जन और न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो जिन लोगों के पास पीसी मेन P3 या P4 कंप्यूटर है, तो उनको रिकमेंड मैं करता हूँ कि वो उससे अपग्रेड करें अपने सिस्टम को, वो i3 में, कोर i3 में अपडेट करें, या फिर कोर टू डू डुअल कोर में उसे अपग्रेड करें। तो i3 अगर या i3 से अबव वर्जन जो है, तो अगर वो है आपके पास तो वो तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। उसमें आप ऑटो कैड अगर सीख रहे हैं तो ऑटो कैड के लिए बहुत अच्छा होगा वो सिस्टम। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 भी थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, तो इन चीज़ों के लिए वो ईजी होंगी। तो क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है और आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आए हैं, जितने भी न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो वो एक तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े हैवी होते हैं। तो वो जो जिन लोगों के पास 3 या 4 हैं, Pentium 3 या Pentium 4 हैं, तो उनके पास तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। और कोर टू डू या डुअल कोर वालों के साथ काम करेंगे, लेकिन वो अपने सिस्टम की रैम और प्रोसेसर थोड़ा सा जो है तो एक्सटेंड कर लें ताकि ईजीली उस पर काम किया जा सके। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम नहीं कर रहा है, या ऑटो कैड जो है तो सही काम नहीं कर रहा। तो उसकी वजह यही है कि आपके पास सिस्टम अपग्रेड नहीं, सिस्टम को आप अपग्रेड रखें ताकि आप इजीली हर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें और उस पर काम कर सकें। ओके, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें और यहाँ से इसको क्लोज कर दें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास रजिस्टर हुआ है कि नहीं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे देखें तो ऑल एप्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोजेक्ट जो चीज़ें अभी हमने इंस्टॉल की यहाँ पे आके, तो आपके पास डेस्कटॉप में भी ये आइकन आ गया होंगे। अगर नहीं आए तो आप विंडो का बटन प्रेस करके आप देखें तो प्रोग्राम्स में ये सारे आ गए होंगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके मैं देखता हूँ कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रजिस्टर हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद एकदम से ओपन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अपनी सेटिंग्स कर रहा होता है। यहाँ पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो चुके हैं, क्लिक करके यस कर दें। ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करें। तो कह रहा है एंटर योर प्रोडक्ट की, मेन रजिस्टर नहीं हुआ सॉफ्टवेयर। तो रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे एक टूल है, अब बैक जाएं और यहाँ पे देखें KMS एक ऑटो लाइट पोर्टेबल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बस KMS आ गए यहाँ पे, आप इस पर यहाँ पे KMS ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ पे आपके पास देखें तो इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज को आपकी समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है ऑफिस, ये लिखा हुआ है विंडो। मीन इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो एक्टिवेट होगी और यहाँ ऑफिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। परफॉर्मिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। ओके, कह रहा है एक्टिवेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी सी देर आप छोड़ें इसको, मे बी क्या आगे कोई और भी काम करेंगे। तकरीबन आपके पास एक्टिवेट हो चुके हैं ऑफिस। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक्टिवेट भी हो चुका है। आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें, रिस्टार्ट करने के बाद जब दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट हो चुका होगा। तो आज के लेसन में हमने टाइपिंग टिप्स देखी, हम टाइपिंग ट्यूटर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, इनके ऊपर हमने काम किया।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.